पूरे देश के साथ साथ और प्रदेश के साथ साथ अमेठी में भी हीट वेव का कहर लगातार बढ़ रहा है। हीट वेव का कहर इस कदर है कि अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज इसका शिकार हो रहे हैं। बड़ी संख्या में डिहाइड्रेशन के साथ उल्टी और तेज बुखार के साथ हीट स्ट्रोक के मरीज अमेठी में सामने आ रहे हैं। वहीं अस्पताल में भी इसके बचाव के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। आपको बता दें कि हीट स्ट्रोक को लेकर लोकलिटी ने अमेठी के अस्पतालों का जायजा लिया तो तस्वीर भयानक मिली। आपको बता दें कि अमेठी में हीट स्ट्रोक के अलग अलग कक्षों में मरीजों को भर्ती किया गया है। मरीज लगातार डिहाइड्रेशन, तेज बुखार और हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। वहीं चिकित्सकों ने उसके बचाव के इंतजाम के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया है। चिकित्सक लगातार मरीजों को धूप में बाहर न निकलने के निर्देश दे रहे हैं। इसके साथ ही हीट स्ट्रोक से बचने के लिए उन्हें जागरूक कर रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि लगातार जिस तरीके से हीट स्ट्रोक का कहर है, इससे सिर्फ और सिर्फ बचाव ही इसका उपाय है और बचाव से ही अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है। अमेठी के जिला अस्पताल में ओपीडी की बात करें तो 50 से 60 मरीज प्रतिदिन हीट स्ट्रोक के सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी हीट स्ट्रोक के मरीज सामने आ रहे हैं। अस्पताल में बेड फुल हैं और जिला अस्पताल में हीट स्ट्रोक से मरीजों को बचाने के लिए कोल्ड रूम भी बनाया गया है। वहीं अस्पताल में भारी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। वहीं मरीजों का भी हाल बेहाल है। गर्मी और हीट स्ट्रोक के चलते मरीज काफी परेशान हो रहे हैं। उन्हें अस्पताल में इलाज कराने के लिए मजबूरन अपना समय और अन्य स्थान पर जाकर अपना इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आइए वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शुभम पांडे से जानते हैं कि हीट स्ट्रोक के क्या लक्षण हैं और इसके बचाव के क्या तरीके हैं जिससे हीट स्ट्रोक से बचा जा सकता है। आइए वरिष्ठ चिकित्सक शुभम पांडे से जानते हैं लोकल रूटीन पर जानकारी। नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभम पांडे हूँ, जिला चिकित्सालय में। अभी हीट का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। टेम्परेचर बाहर बहुत ज्यादा है, लगभग 40 डिग्री के ऊपर रह रहा है टेम्परेचर। ऐसे में मेरा सबको ये सुझाव है कि जब भी बाहर अगर निकलें, बहुत जरूरी काम हो तो ही बाहर निकलें, अगर जरूरी काम नहीं है तो घर में ही रहें और सिर अपना ढक के ही निकलें। अगर बहुत ज़रूरी आपको लग रहा है जाना ही है तो सिर अपना कवर करे रहें और कोशिश करें कि डायरेक्ट सनलाइट आपको पड़ना पड़े। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि तेज़ बुखार आ रहा है, अचानक से तेज़ बुखार आने लग रहा है, तो फौरन किसी छाया वाली जगह पर चले जाएँ और पानी लगातार पीते रहें। हो सके तो नमक चीनी पानी का घोल बना के पी लें या इलेक्ट्रॉल का पाउडर, ORS पाउडर अस्पताल में उपलब्ध है, इसको आप ले सकते हैं। और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसमें अचानक से बढ़ जाता है, स्पेशली जो लोग जिनकी पहले से कोई दवाइयाँ चल रही हों, हार्ट की दवा चल रही है, गुर्दे की दवा चल रही है, या पेट की कोई समस्या से पीड़ित हैं, कोई दवा चल रही है, उनको विशेष रूप से अपना ध्यान देना है। 60 साल के ऊपर वाले और 12 साल के नीचे वाले लोगों को अपना विशेष रूप से ध्यान रखना है। बच्चों का ध्यान रखिए, घर में रखिए उनको, अपने बाहर ना निकलने दें। अभी किस तरीके के लक्षण आ रहे हैं इसके? लक्षण इसके हाई ग्रेड फीवर के साथ पेशेंट अचानक से आ जाता है। बताता है कि एकदम सही से रात तक बिल्कुल सही से सुबह उठते बहुत तेज बुखार आ गया या शरीर एकदम तप रही है, तो ऐसे में कोशिश ये करें कि आर्मपिट्स पे अगर ऐसा हीट वेव चपेट में कोई आ गया है तो आर्मपिट पे यानी कि गांठ में जो है सादा पानी या ठंडे पानी का कपड़ा लगा के रखें।